हाँ जी, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, एक्सरसाइज 6.5। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। मैंने आगे भी ये बात बताई हुई है कि हम क्या करते हैं मैक्सिमा मिनिमा को करने के लिए, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द फंक्शन इन वन वेरिएबल। जैसे मर्जी हमने कन्वर्ट करना है किसी एक वेरिएबल में, ठीक है। अब क्या दिया हुआ मुझे देखिए, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल जो है कैंस, यहाँ पर गिवन है मेरे पास क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंस है ना, कैंस मेरे पास है बेसिकली ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, दैट इज वॉल्यूम, और कितना दिया हुआ है 100 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मींस सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज गिवन टू मी। फाइंड द डायमेंशन जो है ऑफ द कोन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, दैट मींस बेटा मैंने बेसिकली क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। दिस इज माय एम बेटा। अल्टीमेटली मेरा फंक्शन जो निकलना है वो कहाँ से निकलना है, सरफेस एरिया से निकलना है, और मुझे दिया क्या हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो गिवन है। ओके बेटा, अब अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, चाहे वो क्लोज्ड है चाहे ओपन है, मुझे बता दीजिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं आर इसको ले लू, एच में अपना हाइट ले लू, तो मेरे पास जो है पाई आर स्क्वायर एच, That is equals to 100. Mark this equation first. इसको use करूंगी किसी ना किसी तरह, okay? अब क्योंकि closed cylinder है, surface area की बात हो रही है, तो that means total surface area की बात हो रही होगी। हाँ जी, total surface area of cylinder क्या होता है? 2 pi r h plus 2 pi r square, क्योंकि दो circles होते हैं, एक ऊपर, ठीक है ना? अब बेटा इसको यूज करके मेरे पास जो है अगर हम देखें तो व्हाट आई गेट हियर, दैट इज मेरा मेन ये फंक्शन है जिसको मैंने मिनिमाइज करना है एस। अब प्रॉब्लम ये है, ये किन्हीं दो वेरिएबल पे डिपेंड है, किस पे, एक आर पे एक एच पे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मैं डिफरेंशिएट किसके साथ करूंगी। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी। मैं यहां से कौन से वेरिएबल की वैल्यू पुट करूं, एक आर की पुट कर सकती हूँ एक एच की। अगर आर की करती हूँ बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर, तो ये आर रह जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो बेटर क्या है, मैं क्या करूं, यहाँ से एच की वैल्यू पुट करूं, ये मेरा एम होता है, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर। और इसमें कोई फिक्स नहीं है रूल, हर बच्चा अपने माइंड के अकॉर्डिंग। अब कोई बच्चा यहाँ पर अंडर रूट की फॉर्म में आर की वैल्यू ले आए, यहाँ आर स्केयर पुट कर दे, मैं गलत नहीं कर सकती उसको, बट उसकी डेरिवेटिव कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने एक वेरिएबल में चेंज करना, अब करने पे मैंने सारा कुछ जो है आर में चेंज करने लगी हूँ, 2 पाई आर, एच की वैल्यू यहाँ से मैंने कैलकुलेट की, दैट इज 100 over π r² पुटिंग हियर 100 over π r² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर कट, देखो सारा कुछ आर में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेट एम मेरा क्या होता है, सिर्फ आर एक वेरिएबल में कन्वर्ट, कुछ जैसे मर्जी करो, इट इज टोटली अप टू यू। बात समझ आई, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया मैं बता देती हूँ, वॉल्यूम मेरे पास गिवन था और मुझे कहा गया था सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो। अब केन था, क्लोज्ड केन है, तो वो किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 πr h + 2 πr² अब मैंने यहां पर h निकाला और इधर पुट कर दिया, अब इसकी कैलकुलेशंस कीजिए, पाई पाई कैंसिल, मेरे पास 200 over r + 2 πr² हम क्या करते थे, हमारा मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालने के लिए क्या मेथड होता था, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे। हाँ जी, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, व्हाट आई गेट हियर,
हाँ जी, इसको मैं चाहे आर की पावर माइनस वन कर दूं, आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जब मैंने किया तो माइनस जो है 200 आर की पावर माइनस टू, यही होगा ना, एक कम हो जाती है। और इधर किया डेरिवेटिव तो क्या हो गया, 4πr। ओके जी, अब क्या करते होते थे, इसको इक्वल टू जीरो पुट करते थे ना। तो जब मैंने क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जब मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया, माइनस 200 ओवर आर स्क्वायर प्लस 4πr इक्वल टू जीरो पुट किया। ओके जी, अब मैं वैल्यू निकालने लगी, मेरे पास हो, आई एम रबिंग दिस, हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है मैंने माइनस 200 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr माइनस ये r हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया मेरे पास और ये कट गया, तो मेरे पास कितना आया, दैट इज 50 बाय पाई आर क्यूब। अब ये डिपेंड करता है आपको एमसीक्यू में टाइप कैसे दिए। अब इस क्वेश्चन में ना अगर आप r को 50 ओवर पाई पावर 1/3 भी ले लो ना तो चलेगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पूरी कैलकुलेट करो। मेरी बात समझ आई, पता चला ये कहां तक ऐसे क्योंकि यहां तक कोई स्टेप जो नहीं क्लियर है, यू कैन आस्क। फर्स्ट डेरिवेटिव यहां तक ये हो गया, अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव उस पे देखना ना, ये फंक्शन नेगेटिव आता है के पॉजिटिव आता है। तो लेट अस सी, अब मैं डबल डेरिवेटिव ले रही हूं, जब मैंने इस फंक्शन का इसको रब करने लगी हूं क्योंकि आर की वैल्यू मेरी निकल आई, आई एम टेकिंग डबल डेरिवेटिव। जब मैंने किया ये आगे आ गया तो कितना हो गया, 400 आर की पावर माइनस 3 प्लस 4πr, हाँ जी 400 ओवर आर क्यूब प्लस 4πr। अब मैं आर क्यूब की वैल्यू सीधा दी हुई है ना, है ना, तो दैट इज मेरे पास जो है अगर आर क्यूब की वैल्यू दी हुई है, आई कैन यूज दैट। अब बेटा आई एम पुटिंग दैट वैल्यू, आर क्यूब की वैल्यू जब मैं पुट कर रही हूँ तो मेरे पास 400 ओवर 50 पाई जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ओवर 4πr, हाँ जी कटिंग कर लो तो मेरे पास हो गए कितना बचा, दैट इज 12πr। 12πr क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो मर्जी हो जाए 12πr क्या है, पॉजिटिव ही है ना, तो दैट इज ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो दैट मीन्स कि मेरे पास क्या होगा, वो बेसिकली मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं, किसकी, सरफेस एरिया पे। ओके जी, और आर क्योंकि मैं यहाँ पर पुट कर चुकी हूँ तो आर डबल डैश यहाँ पर 50 बाय पाई वैल्यू 1/3 ऐसे शो कर दे, क्योंकि अब हमने शो कुछ भी नहीं करना, तो हम आपको कहते हैं फटाफट करो, बस ये देखना है कि मैक्सिमम है के मिनिमम, हमने निकाल लिया मिनिमम है कब, व्हेन आर इज 50 बाय पाई पावर 1/3। अब उसने डिमेंशंस निकालने को कहा था, अब एक सिलेंडर को आप कैसे डिफाइन करते हो, किस किस चीज से, एक रेडियस से और एक हाइट से, बिल्कुल सही, रेडियस निकाल लिया, हाइट तो नहीं मैंने अभी तक निकाली, तो वो कहां से निकालोगे, ये गिवन है ना, इसमें पुट कीजिए आर की वैल्यू और एच की वैल्यू निकल आएगी, बस काम खत्म, नो डाउट। जो है वो वैल्यू जो है वो सीधी सीधी नहीं आती, तो घबराना नहीं, वो जैसे आर की पावर 2/3 ऐसे कुछ बन जाएगी तो डजंट मैटर, वैल्यू कैसी भी आ सकती। ओके जी, कोई डाउट बेटा, स्पेशली नॉन मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे आ गए हैं थोड़े से 2-4 साल, तो मुझे नहीं पता कि आपको इनके बारे में पता है कि नहीं, पता है जी, क्लियर, चलू मैं आगे फिर। ओके जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 22। अब ध्यान से जिन जो लेट आए हैं बेटा, मैं बार बार कह रही हूं जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उसको करने के लिए एक ही दिमाग में लॉजिक रखना है, एक वेरिएबल में यू हैव टू कन्वर्ट इन वन वेरिएबल,
वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कन्वर्ट करते हो। हर क्वेश्चन का कोई एक मेथड नहीं है, देर आर सो मेनी मेथड टू कन्वर्ट देम। आप पे डिपेंड करता है उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या। ओके जी, नाउ कम टू जो है 22 क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। हाँ जी, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। एक वायर थी, ये 28 मीटर की थी, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके जी, अब जब किया गया, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर। हाँ जी, एक पीस को स्क्वायर शेप में चेंज किया। ओके जी, एंड द अदर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल। तो मेरे पास हो गए, दूसरे वाले को किसमें कन्वर्ट किया गया, सर्कल में। अब उसने कहा वन ऑफ द, जब हमारे पास हो गया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। हमें नहीं पता ना कैसे डिवाइड किया गया इसको, कि इधर कितना पार्ट है, इधर कितना पार्ट है। क्या पता 14 14 हो, क्या पता 13 15 हो, टोटल सम 28 आना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि हम इसकी लेंथ को कितना हम डिवाइड करें सो दैट कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। कंबाइंड एरिया किसका, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस कंबाइंड एरिया ऑफ जो है सर्कल, दैट इज टू बी मिनिमाइज। ये मेरा एम है। अब गिवन क्या है, मुझे ये कोई बता सकता है, व्हाट इज गिवन आप। हाँ जी बिल्कुल, जितनी वायर ही है, ये वायर कहाँ यूज हो रही है, बेसिकली यहाँ बाउंड्री पे। ये वायर कितना वाला पोर्शन कहाँ यूज हो रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो पेरीमीटर का ही पार्ट होता है। तो दैट मींस ये जो है हमें दोनों का जो है, इसका पेरीमीटर और इसका सर्कमफेरेंस मिला के किसके इक्वल होना चाहिए, 28 के इक्वल, दैट इज गिवन टू। अब अगर इसकी साइड में x मान लू, इसका रेडियस में r मान लू मेरे पास, तो दैट मींस मेरे पास सर्कमफेरेंस दैट इज 28। हाँ जी, अब बच्चे यहां क्या गलती करते हैं मेरे पास, चलो आपने साइड x मानी, तो मेरे पास होंगे 4 इंटू एक्स प्लस, यहां पर क्या हो गया 2 पाई r। ये चीज हुई, 2 से 2 कटिंग कर दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और यहां कितना रह गया 40, ये चीज बन गई। ठीक है, अब हम आए, हमने जो मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने पे एरिया, अगर साइड स्क्वायर की एक्स है तो बेटा एरिया मेरे पास जिसको मैंने मिनिमाइज करना है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों को ये समझ नहीं आती है हम किसकी वैल्यू पुट करें, इस क्वेश्चन में जिसकी मर्जी वैल्यू पुट कर लो, चाहे आप x निकाल लो यहां से, x भी इजीली निकल आएगा, आप r निकालते हो तब भी इजीली निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, जैसे मर्जी कर लो, दोनों तरह से आपकी कैलकुलेशन इजी ही होगी, क्योंकि यहाँ दोनों ने स्क्वायर होना है, डजंट मैटर आप जिसकी मर्जी वैल्यू पुट कर। बात समझ आई। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो ना अगर वो कहते हैं मैम अगर ये एक्स है ना, मान लो ये लेंथ एक्स ले ली है ना, और वो क्या करते हैं इसको भूल ही जाते हैं पार्ट को, इसको 28 के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल जी, दोनों का टोटल मिला के बनना तो 28 ही है ना, एक एक्स है एक 28 माइनस एक्स है, टोटल मिला के तो सर्कमफेरेंस बेटा वो 28 ही बन जाना, तो वो टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत। अब क्या करें यहाँ पर बेटा, व्हाट वी हैव टू डू हियर नाउ, पुट द वैल्यूज। अभी मुझे नहीं पता मैं कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हूँ, नहीं पता ना, छोड़ दो बाद में लिखना। हाँ जी, अब किसकी वैल्यू लेनी है यहाँ से, एक्स की लेनी है कि आर की, एक्स की ले लें, चलो 14 माइनस पाई आर बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स, पुट कर दें यहाँ पर। जब पुट किया मेरे पास
14 माइनस मेरे पास जो है पाई आर बाय टू होल स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर। अब ये सारा फंक्शन किस पे डिपेंड हो गया, आर पे, आर ही वेरिएबल बना ना, तो दैट मींस हम किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, आर के साथ। यहां मेंशन कर दो ताकि आपको कभी भूले ना कि हम लोग किसके साथ डिफरेंशिएट करो, ठीक है जी। तो अब मेरे पास डिफरेंशिएट किया, हाँ जी पहले ओपन कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव करना, नहीं तो आप क्या करोगे, पावर आगे लेके जाओगे, एक पावर कम करोगे साथ में इसका डेरिवेटिव, इट इज टोटली अप टू यू। आप ये टू टू पहले ब्रेक कर दो, जब यहाँ सेवन, हाँ जी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी माइनस टू ए बी, टू से टू कट जाना है, सेवन पाई आर प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएट कर, जब डिफरेंशिएट किया मेरे पास ए डैश आर, हाँ जी 49 ने जीरो बना दिया, हाँ जी यहां पर बेटा टू बाय फोर पाई स्क्वायर आर, आफ्टर देन मेरे पास माइनस सेवन पाई, हाँ जी सेकंड को करूंगी तो मेरे पास फोर पाई आर, मैंने यहां पर चेक कर लेना ठीक लिखा ना, हाँ जी ठीक लिखा, ये कट गया पाई स्क्वायर आर बाय टू माइनस सेवन पाई प्लस फोर पाई आर। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव करना है पहले ही कर लो, टेंशन फ्री हो जाएंगे। हाँ जी पाई स्क्वायर बाय टू जीरो और ये कितना रहा फोर पाई, वैसे तो क्लियर कट में बता दूं पाई पॉजिटिव ही होती है वैल्यू 22/7 आनी, तो ये सारी ग्रेटर देन जीरो है, आर की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो रहनी है ना, यानी ये मिनिमम ही रहना है, बट किस पे मिनिमम, मैंने वो वैल्यू नहीं ना निकाली अभी, वो कैसे निकालते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर, ओके जी। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, सॉरी अब मैं डेरिवेटिव पुट करने लगी हूँ इक्वल टू जीरो, मैं इस सारे को रब कर रही हूँ, चलिए इक्वल टू जीरो पुट किया, पाई स्क्वायर आर बाय टू माइनस सेवन पाई प्लस फोर पाई आर इक्वल टू जीरो। सबसे बड़ी बात, अब डांट खा लोगे देख लो, मेरी प्लस टू सी बहुत अच्छी है, मत बिगाड़ो उनको। हाँ जी पाई एक कैंसल हो गया क्योंकि कॉमन लिया, ये भी कैंसल ये भी कैंसल, ओके। मैंने आर निकालना है ना, आर वाली टर्म्स को एक साइड पे रख दो, अगर एक साइड पे रखेंगे ये और ये सेवन को उधर लेगी, ये लीजिए आर कॉमन लिया, जब आर कॉमन लिया पाई बाय टू प्लस फोर इक्वल टू माइनस सेवन, तो मेरे पास माइनस सेवन था ना इधर, प्लस होना था उधर, हाँ जी। देखो मुझे कैसे पता चला कि कोई गलती हुई है, क्योंकि आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना, तो दैट मीन्स मुझे पता चल गया। थोड़ा काम करते हुए कैलकुलेशंस करते हुए अपने माइंड को थोड़ा सही तरह से हमने चलाना है कि देखते जाना है, गलती हो जाती है करते, ठीक है। चलिए अब आर इज इक्वल टू सेवन ओवर, मैं साथ ही एलसीएम ले रही हूँ, पाई प्लस एट जो बाय टू था वो ऊपर चला गया, क्या हो गया 14, ओके जी। यानी मेरे पास एरिया मिनिमम कब होगा, जब आर की वैल्यू कितनी होगी 14 बाय 5 प्लस 8, ओके जी क्लियर, सबको बात समझ आ गई। उसने मिनिमम एरिया करने को कहा था, कुछ नहीं कहा था यहाँ पर कुछ निकालो या करो, वो सब कुछ यहाँ पर हो। एनी डाउट बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, समय अंक क्लियर बेटा, प्लस टू ए प्लस टू सी, चलो बेटा आगे, हाँ जी चलिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है,
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज रिटन हियर, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, इतना मुझे पता चल गया लार्जेस्ट कोन की बात कर रहे हैं, है ना, यानी शायद वो यहाँ पर बात करे मैक्सिमम की, पर पूरी स्टेटमेंट पढ़ के ही हम कंक्लूजन निकालें। हाँ जी, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब बेटा यहां पर प्लीज ये जो रेडियस दिया है ना कैपिटल आर, दैट इज ऑफ कोन, स्फीयर का नहीं दिया। यहां बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ जी रेडियस मुझे, मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताने लगी हूँ, देखिए प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ये स्फीयर का रेडियस है, बेसिकली जो है ये किसका रेडियस है, कोन का रेडियस है। ओके जी, जो है इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ये मैंने प्रूफ करना है कब, जब मेरे पास हो गए कोन का, मेरे पास कोन का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, दैट इज माय। ओके बेटा, ठीक है जी। अब बेटा यहां पर मेरे पास अगर मैं देखूं तो सब कुछ बेटा डिफाइन नहीं किया गया, तो मैं सबसे पहले क्या करूं, अगर देखूं तो मुझे सफेयर का भी रेडियस चाहिए, आई नीड इट ना, सफेयर का रेडियस मैं एक्स ले लू या आर ले लो, जैसे मर्जी ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम, अल्टीमेटली हमने आपको रेडियस में कंफ्यूजन लगती है तो आप आर ले, ठीक है। अब रह गया क्योंकि कोन के वॉल्यूम की बात करनी है, कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मैंने कोन जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोन, ठीक है 1/3 पाई। अब मैंने कोन का रेडियस आर लिया तो मैं कैपिटल आर लूंगी, आर स्क्वायर, अब एच नहीं है मेरे पास, कोन की एच नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इतना पार्ट देखूं बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस सफेयर का कर रहा है, और रेडियस को मैंने क्या लिया है, स्मॉल आर, एम आई राइट, ठीक है, तो ये भी मेरे पास स्मॉल आर हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, दैट इज एक्स, तो मैं इसको भी क्या ले लू, एक्स सेलेक्ट कर दू। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से, इस पाइथागोरस थ्योरम से चाहे मैं बेटा एक्स की वैल्यू निकाल लू चाहे मैं आर की, यहां पर एच की जगह पे मैं एक्स प्लस आर लिखती, बेटर है हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इन सफेयर कहाँ है, तो सफेयर का हम मान के चलते हैं कि रेडियस हमारे पास जो है वो स्मॉल आर, तो सब कुछ आप कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, ये कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन क्योंकि पूरा करवा के ही एंड वाला पार्ट। ओके जी, टिल देन गुड बाय मेरा बेटा, एंड नहीं जी।